हेलो एवरीवन एक बार फिर आप सभी का जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और आज कल शुरू होने वाली महारथी डेली लाइट टेस्ट सीरीज के लिए थियोरी की क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं आज जो कंटेंट आपको डिस्कस किया जाएगा उसी कंटेंट को आपको अपने नोट्स में अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट में पढ़ना है उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है और फिर आपको कल मैदान में उतरना है इस 15,000 MCQ का पहला पेपर देने और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि वन आवर थियरी क्लास मिलेगी उसके बाद आपको जो है एक बहुत अच्छा पेपर मिलेगा फिर उसका रिजल्ट होगा और ये कारवा जो है 150 दिन चलने वाला है और 150 दिन 15,000 MCQ एम क्यू टारगेट नॉर्थ सेट जीरो सिक्स आप सोचिएगा कितना खूबसूरत पल जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है तो आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं ये जो क्लास होगा ये कंप्लीट फ्री होगा कंप्लीट फ्री सेशन होगा कोई चार्ज नहीं है इस क्लास का थियोरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों और पेपर जो है टेस्ट सीरीज जो है उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं थोड़ा स्पीड अप रहेगा ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा आउटलाइन आसपास की चीजों को बताते हुए मैं इस सेशन को कैरी ऑन करूंगा और होप यू कैन एंजॉय एवरी तो सेशन को स्टार्ट करते हैं महारथी डेली लाइव टेस्ट सीरीज का जो आज का पहला क्लास है जिसमें हम स्पेशली जो पढ़ने वाले हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल और सेल के साथ साथ में सेल डिवीजन और सेल डिवीजन के साथ साथ में बॉडी के सेक्शन जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है तो आज एक नई शुरुआत करें हेल्थ नर्सिंग आपको मैं बता देता हूं अभी तक हम जिस सब्जेक्ट को मेडिकल जिस सब्जेक्ट को मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नाम से जानते थे जिस सब्जेक्ट को एमएसएन के नाम से जानते थे अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नए सिलेबस के अनुसार इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नए सिलेबस के अनुसार अब हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को बोलेंगे हेल्थ नर्सिंग हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट बोलेंगे जहां पर हम एनाटमी पढ़ेंगे एम पढ़ेंगे एम के साथ सर्जरी के सारे टॉपिक और सारी सर्जरी के बारे में डिस्कस करेंगे तो टॉपिक होगा उससे पहले आपको मैं बता दूं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग अडल्टे फ्यूचर नर्सिंग हो सकता है कुछ दिनों बाद यह नाम आपको अलग अलग जगह देखने को मिल सकता है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग बट मैं आपको बता दूं इसका फाउंडर एक बार फिर आपका जे बनाए सी हेल्थ नर्सिंग अडल्टे का नया नाम इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सिलेबस के अकॉर्डिंग होप यू कैन एंजॉय एवरीवन तो सेशन को कैरी करते हैं बिना वक्त को गवाए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स सेल जो है हम कैरी ऑन करें सेल को हम कैरी ऑन करें फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर देखिए सेल पे बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे सबसे पहले मैं बात करूं सेल जो है बेसिक यूनिट के नाम से प्रोनाउंस होता है सेल जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट के नाम से प्रोनाउंस होता है सेल को हम बेसिक बेसिकल बेसिस बोलते हैं सॉरी फिजिकल बेसिस बोलते हैं सॉरी फिजिकल बेसिस स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी दैट इज योर सेल सेल जो है कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं इट्स अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज अ सेल मैं आपको बता दूं जब हम बात करेंगे न्यूरॉन का जब हम बात करेंगे न्यूरॉन का तो न्यूरॉन बेसिक बेसिक फंक्शनल बेसिक फंक्शनल यूनिट किसका है बच्चों नर्वस सिस्टम का किसका है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नर्वस सिस्टम का यदि मैं नेफ्रॉन की बात करूंगा

ज का बेसिक फंक्शनल यूनिट है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर वन लाइन में पूछा जा सकता है न्यूरोन एल्यूलाई और वी कैन से एसिनर सेल इसके अलावा मैंने लिखा है कि सेल के बारे में साइटोलॉजी किसको कहता है स्टडी ऑफ सेल बहुत सिंपल वर्ड में आपको पुट कराऊं रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक थ्री स्टार एमसीक्यू बन सकता है बच्चों रॉबर्ट हुक जिसको हम फादर ऑफ सेल के नाम से प्रोनाउंस करते हैं थैंक यू एवरी वन रॉबर्ट हुक जिसको हम फादर ऑफ सेल के नाम से प्रोनाउंस करते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर और आपको बता देता हूं रॉबर्ट हुक को ही कहते हैं सिबल टू फाइंड आउट डेड सेल डिस्कवरी इसी ने ही जो है डेड सेल डिस्कवरी को फाइंड आउट किया वन लाइन पर भी बन सकता है तो आपके रॉबर्ट हुक ने कर दिया कोई आपसे ऐसा पूछ रहे हैं कि लिविंग सेल जो है इसका डिस्कवरी किसने किया एंटोनी वेन लुइन हॉक कब किया सिक्सटीन थर्टी टू से 1723 में। और इसके साथ में इसी को हम कहते हैं फादर ऑफ या मॉडर्न या फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोप भाई लिविंग सेल को देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए ना शुक्रिया राजू लिविंग सेल को देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए ना तो माइक्रोस्कोप का पता भी किसने लगा लिया एंटोनी वैन लुइनहॉक ने लगा लिया और साथ में इसने लिविंग सेल की डिस्कवरी कर ली कि लिविंग सेल को दिखने के लिए देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए ना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ओके फाइन अब मैं सेल के ऑर्गेनला को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ चीफ कंपोनेंट ऑफ सेल पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि सेल के चीफ कंपोनेंट कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और ये फाइव स्टार एमसीक्यू बन सकता है बच्चों फाइव स्टार एमसीक्यू बन सकता है जहां पर कॉम्पिटेट एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है ऑल आर द चीप कंपोनेंट ऑल आर द चीप कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एक्सेप्ट पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना कार्बन को कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन को कंसिडर करते हैं नाइट्रोजन को कंसिडर करते हैं

प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स यू कैन सी एवरीवन दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कई सारे नाम से प्रोनाउंस करते हैं इसको हम

वहाँ क्या लिखना लिखना है फ्यूचर यदि आपसे कहे कि नॉन स्टीरोड हार्मोन का रिसेप्टर साइट कौन होगा सॉरी नॉट माइट्रोकॉन्ड्रिया सॉरी नॉट माइट्रोकॉन्ड्रिया आपको पूछेंगे कि रिसेप्टर साइट नॉन स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइड का मतलब होता है जो भी प्रोटीन हारमोन है जो भी प्रोटीन हार्मोन है जो स्टीरोइड हार्मोन को छोड़ करके ग्लूकोकोटिकोड मिनरल कोटिकोड उनको छोड़ के जो भी हार्मोन है उनका रिसेप्टर साइड जो है वो फॉस्फोलिपिड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है बच्चों साथ में मैंने लिखा कि इस इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड की बनी होती है तो उसमें कंपोजिशन कौन कौन होगा तो तीनों चीजें होगी प्रोटीन होगा लिपिड होगा कार्बोहाइड्रेट होगा क्वेश्चन कैसे बनेगा क्वेश्चन कैसे बनेगा सबसे ज्यादा कौन होता है तो आंख बंद करके लिखना भाई प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है 55 परसेंट दूसरा पूछेंगे लिपिड कितना 40 परसेंट सबसे कम कौन सा बच्चों कार्बोहाइड्रेट सबसे कम कौन सा कार्बोहाइड्रेट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ओके फाइन नाउ नेक्स्ट कैरी ऑन करते बच्चों अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करे थे और मैंने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की ज्यादा होता है दो एंड होगा इसी प्लाज्मा हो के दो एंड होता है ध्यान से देखिएगा एक हाइड्रोफिलिक होगा एक हाइड्रोफोबिक होगा इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो एंड की मैं बात करूं पहला मैंने लिखा है विथ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं या वाटर लविंग कहते हैं बच्चों या इसको वाटर लविंग कहते हैं हेड जहां पर है आप ठीक से यदि देख पा रहे होंगे ठीक से देख पा रहे होंगे ये हेड है ये हेड है और ये टेल है ये टेल है ये दोनों एंड एक एंड को हेड कहते हैं दूसरे एंड को टेल कहते हैं हेड एंड जो जो है, ये जो है ये एरिया आपका प्लाज्मा का, जिसको हम कह सकते हैं पॉलर और दे आर कैरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस और इसी को कहते हैं हाइड्रोफिलिक क्या कहेंगे हाइड्रोफिलिक मतलब दे आर वाटर लविंग दे आर वाटर लविंग और दूसरा जो टेल वाला हिस्सा है दैट इज अलर नो इलेक्ट्रिकल चार्जेस और इसको कहते हैं वाटर हेटिंग तो ये वर्ड याद रखना हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एक में वाटर से प्यार हो रहा है एक में वाटर से नफरत हो रहा है दोनों एंड पे एम से क्यू बनेंगे शुक्रिया अनुराधा दोनों एंड पे एमसी क्यू बनने की प्रोबेबिलिटी है हेड का तरफ भी लिखना टेल की तरफ भी लिखना दोनों एंड मैंने मैं हेड एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोफिलिक और टेल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोफोबिक फिलिक फोबिक दोनों टर्म्स याद रखना दोनों टर्म्स याद रखना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स नेक्स्ट कैरी करते हैं नेक्स्ट कैरी करते हैं यू कैन सी एवरी वन दैट यू कैन सी ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होगी बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होगी मैं नेक्स्ट चलता हूं आपको डेफिनेटली मोसोइक मॉडल को याद नहीं करें ऐसी बात हो सकती है जब हम सेल पढ़ रहे हैं तो फ्लूड मोसोइक मॉडल जो है बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं बच्चों फ्लूड मोसोइक मॉडल जो है uh, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है वॉज प्रपोज बाई एस जे सिंगर एंड गर्थ एल निकोलस ये कभी कभी नाम पूछा जाता है कि ये ये जो है मोसोईक मॉडल जो है किसने दिया फाउंडर जैसे सेल के फाउंडर का पूछा है ना तो ऐसा पूछा जा सकता है कि मोसोईक मॉडल किसने दिया दो लोगों ने मिलकर दिया एस जे सिंगर और गर्थ एल निकोल्स ने और ये जो मोसोईक मॉडल मैंने आपके सामने पुट किया जिसके अंदर फॉस्पोलिपिड्स भी है ग्लाइकोप्रोटीन भी है कोलेस्ट्रोल भी है मैंने सब पुट किया फॉस्फोलिपिड्स में इसमें प्रोटीन है इसमें कोलेस्ट्रॉल है इसमें कार्बोहाइड्रेट है एक्चुअली दैट दैट मोसोइक मॉडल आर रिस्पांसिबल टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल और इवन वी कैन से मैन और ह्यूमन सेल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसका मेन जो एमसीक्यू बनेगा कि फ्लूइड मोसोइक मॉडल जो है प्रपोज किसने किया दिया किसने

RBC जो है ना ये नॉन है नॉन न्यूक्टेड सेल होता है आरबीसी में न्यूक्लियस एबसेंड होता है ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी बन सकता है रिसेप्टर साइट ऑफ स्टीरोड हार्मोन अभी मैंने कहा प्लाज्मा हार्मोन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन स्टीरोड हार्मोन का रिसेप्टर साइट था यहाँ पर स्टेरोड हार्मोन का रिसेप्टर साइट तो है बट आपसे ऐसा कोई पूछे कि स्टेरोड हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ होता है स्टेरोड हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ होता है तो आपको लिखना यहाँ पर माइट्रोकोन्ड्रिया क्या लिखोगे बच्चों माइट्रोकोंड्रिया है है पर एटीपी के सिंथेसिस होता और माइट्रोकॉन्ड्रिया ही आपके रूप में रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन तो माइट्रोकॉन्ड्रिया रिसेप्टर साइट पूछे तो आपको न्यूक्लियस टिकना रिसेप्टर साइट पूछे तो आपको न्यूक्लियस टिकना साथ में डीएनए मतलब ये आपका सेल ये आपका न्यूक्लियस

साथ में मैंने क्या हेल्थ टुगेदर अब ये डबल बॉन्डेड जो है आपस में किसके द्वारा जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा डबल बॉन्डेड आपस में किसके द्वारा जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये डबल बॉन्डेड आपस में टुगेदर रहता है क्वेश्चन बन सकता है यहां पर एमसीक्यू बन सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से मैंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर मतलब डीएनए जो है ना वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और यदि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होना ना तो डीएनए डीएनए लेके जाएगा बच्चों ध्यान रखना जो है मदर फादर से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आने वाली जनरेशन को देने का काम करता है तो इसलिए मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नंबर ऑफ देना कितने होते हैं आपको अच्छे से पता है ट्वेंटी थ्री पेयर्स होते हैं 23 पेयर्स पढ़ते हैं आप 23 पेयर्स को याद करते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं 46 होते हैं नंबर में 46 होते हैं पेयर्स में पूछे तो 20 23 पेयर्स लिखना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर साथ में लिखा फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजिनियस बेसिस आर फाउंड डीएनए में चार तरीके के डीएनए में चार तरीके के अलग-अलग नाइट्रोजिनियस बेस होते हैं एक को कहते हैं एडेनिन एक को कहते हैं थायमिन एक को कहते हैं साइटोसिन और एक को कहते हैं गुआनिन ये जो चार अलग अलग नाइट्रोजीनियस बेस है ये आपके डीएनए में पाया जाता है क्वेश्चन बना एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस जो है में में नहीं होता में होता डीएनए है तो मैंने डीएनए में चारों बेसिस के नाम लिख दिए लिख दिया लिख 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 दिया 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 साइटोसिन तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चारों बेसिस जो है ये आपको फाइंड आउट होता है दैट विल बी इन आर एन ए तो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड है सिंगल स्टैंडर्ड होता है एक आपका आर आर होता है एक आपका टी आर एन ए होता है टी आर एन एपका एम आर एन ए होता है, एक आपका एम होता है टी आरेने, एम आरेने, और आपको यह भी पता होगा आपको यह भी पता होगा बच्चों कि कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन और एच आई वी ये दोनों कौन से वायरस है आर एन ए वायरस से कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन वेरी गुड मोना

पहला कौन था न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाद में दूसरा नंबर यदि किसी का पूछे तो आप बाइटो को लिख सकते हो साथ में मैंने ये भी मेंशन किया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सेमी है आधा काम जो है ना ऑलमोस्ट ये खुद ही करता है खुद खुद ही ही जरूरत पड़ती है है तो अपने सब्सटेंस को लेता वर्क करता है। और ये भी मेंशन किया है स्वासूज शेप का होता है इसका शेप एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस शेप को बोलते हैं स्वासूज शेप क्या बोलते हैं स्वासूज शेप माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर शुक्रिया आकाश कुमार मैंने ये भी लिखा है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए एरोबिक जो है ना प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं एरोबिक रेस्परेशन का साइट भी माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और जब एरोबिक रेस्परेशन रन करता रेगुलेट होता है तो वाटर और सीओ टू रिलीज होता है बाई प्रोडक्ट क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन बन सकता है जब एरोबिक रेस्परेशन सिंथेसिस साइट जो आपका है वहां पर एरोबिक एरोन रन कर रहा होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा वाटर प्रोड्यूस होगा और क्या होगा सीओ टू क्योंकि और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एंड मिट्टोप्लास्ट एक वर्ड बनता है टर्म आता है एग्जाम में मिट्टोप्लास्ट माइट्रोकोड्रिया विदाउट आउटर मेमरिन अब आप देख पा रहे होंगे ये आपकी आउटर मेमरिन है ये आपकी इनर है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन एबसेंट है और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है

और ये रहा मेरा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर राइबोसोम कौन हो गया ये आपका राइबोसोम क्या कहते हैं ऑफ सेल अब पता चल गया हुआ, सेल को काम करने के प्रोटीन होता है। और को हम इंजिन का दर्जा दे रहे हैं तो राइबोसोम है इंजिन ऑफ सेल और मैंनेशन में किया है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिला न्यूक्लियस सबसे बड़ा था न्यूक्लियस सबसे बड़ा था ना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स

इसको हम कहते हैं बैग ऑफ सेल सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्योंकि uh, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको ये स्पेशली डाइजेस्टिव वेस्ट जो होता है जब आप फूड को इंटेक करते हो आप खाना खाते हो जो भी डाइजेस्टिव इंटेक होता है उसमें से वेस्ट मटेरियल को कैरी करने का काम करता है दैट इज लाइसोसोम इसलिए सुसाइडल बैग इसको कहा जाता है इवन वेंजर ऑफ सेल स्का वेंजर का मतलब यदि सेल में कोई माइक्रोब्स है

तो हम इसको डिस्पोजेबल यूनिट के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं देखिए वन ए वन लाइनर जितनी भी चीजें मैं पुट कर रहा हूँ ना ये एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने शायद देखने को मिल सकती है आने वाले पेपर में मैंने एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को शेयर करने की कोशिश की है बच्चों साथ में नेक्स्ट मैंने लिखा बच्चों एंडो रेटिकुलम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एंडो रेटिकुलम की बात करें

सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड स्टडीड विथ राइबोसोम अभी मैंने कहा राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को मैंने कहा ना बच्चों प्रोटीन फैक्ट्री तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ होगा सॉरी प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होगा दैट विल बी ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही मैं बात करूँ स्मूथ तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो रहा है फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस हो रहा है लेस्ट्रोल का सिंथेसिस हो रहा है आपने मेसोइक मॉडल के अंदर भी मैंने जिक्र किया था यहाँ पर भी मैं में मेंशन कर रहा हूं कि यदि हम सिंथेसिस की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस वन रफ इसकी प्रोटीन सिंथेसिस साइड के नाम से प्रोनाउंस करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट है फॉस्टोलिपिड और कोलेस्ट्रोल इनके सिंथेसिस का काम करता है बच्चों साथ में लिखा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल मतलब जो भी जो भी आ, शुक्रिया जो भी हार्मफुल केमिकल्स होगा सेल में उसको डिटॉक्स करने का काम भी कौन करता है स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर इवन जैसे बच्चों ने कहा कि सर ये कैल्शियम को स्टोर करता है बिल्कुल मीनू आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है मुझे लगता है जे एनसी की नोट से आपने बहुत अच्छे से कैरी किया है दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर योर कैल्शियम तो मैं बहुत फास्ट रिव्यू करवा रहा हूं आपको अब बात आती गोलजी अपर अब बात आती गोलजी अपर आप देखिएगा ये आपका गोलजी अपरस है ये आपका गोलजी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दिस इज द गोल्जी अप्रेटस और इसको हम गोल्जी बॉडी गोलजी कॉम्प्लेक्स और क्या कहते हैं पोस्ट गोलजी अप्रटिस न्यूक्लियस माइक्रोकोड्रिया स्मूथ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम रफ राइबोसोम लाइसोसोम और वी कैन से प्लाज्मा प्लाज्मा तो गोलजी अप्रेटस जो है ियल इन सिक्रिटी गैन वेसिकल लाइसोसॉम एंड आउटसाइड डिस्पैच आउट साइड ऑफ द सेल बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे पोस्ट ऑफिस क्या करता है पोस्ट ऑफिस क्या करता है शुक्रिया शुभम मेडिसिटी पोस्ट ऑफिस क्या करता है पोस्ट ऑफिस में लेटर को डिस्पैच किया जाता है यहां आपका जो वेस्ट जितना भी होगा सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स वेसिकल्स और मैंने कहा लाइसोसोम क्योंकि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा था ना लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा था ना इन सबको सेल से बाहर लाने का काम कौन करेगा दैट वी कैन से गोल्जी अपरेटस कौन करेगा बच्चों गोल्जी अपरेटस मैंने सामने लिखा है इट इज अ पोस्ट ऑफिस ओके फाइन नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाजम बच्चों साइटोप्लाजम क्या है अब इस सेल के अंदर आप देखोगे सेल के अंदर जो फ्लूड होता है

द्रव्य द्रव्य के रूप में प्रनाउंस करते हैं इसके अंदर द कंटेन सिस्टॉल विच कंटेन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स इलेक्ट्रोलाइट और आपको बता देता हूं इलेक्ट्रोलाइट में स्पेशली सोडियम और वी कैन से पोटेशियम हम कैल्शियम को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम कैल्शियम को भी इंक्लूड कर सकते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एक और लिखा है वैक्यूल्स देखिए ये आपका वैक्यूल्स है इस तरीके का ऑर्गेनिलास होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है वैक्यूल्स आर यूज टू स्टोर एंड डिस्पोज वाइटी ऑफ केमिकल जैसे मैंने लिखा दीस ऑर्गेनिला हैव एबिलिटी टू स्टोर फूड एंड अदर न्यूट्रेंट दैट सेल नीड टू थ्राई जो सेल को जरूरत है फूड और न्यूट्रेन उनको स्टोर करने का काम ये करते हैं और इस तरीके से इनका शेप बना होता है जिसको हम वैक्यूल्स कहते हैं है ना हो सकता है हो सकता है शुक्रिया पूजा रानी इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है तो दैट सिंपली वी कैन से वैक्यूल्स में एक ऑर्गेनिला को साथ साथ में डिस्पैच करता जा रहा हूँ और होप मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो है इसको देख करके काफी इंजॉय करेंगे और आपको बहुत मदद मिलेगी बहुत हेल्प मिलेगी कल के पेपर में और परसों के पेपर का शेड्यूल भी आज ही बता के जाऊंगा आपको नेक्स्ट मैंने लिखा है बच्चों सेल डेथ अकर ये सेल की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई अब मैं सेल डेथ की बात करूँ सेल डेथ जो है टू टाइप से होता है सेल जो है सेल जो है डेथ जो है दो प्रकार से होता है सेल की डेथ टू टाइप से होती है जैसे मैंने एक लिखा यहाँ पर अपप्टोसिस uh, एक वर्ड लिखा दैट इज अब्टोसिस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है का मीनिंग होता है नेचुरल अपोप्टोसिस का मीनिंग होता है नेचुरल और प्रोग्राम सेल डेथ मतलब ये सेल जो है प्रोग्राम सेल डेथ और ये सेल सुसाइड बोलते हैं सेल सुसाइड बोलते हैं इसका मतलब है Suppose आपका आरबीसी है रेड ब्लड सेल है उसकी डेज है आपका प्लेटलेट है उसका जो है है, तो इतने दिनों के बाद में सेल की डेथ होना है सेल को कोई नहीं मार रहा है सेल, को सेल, सेल खुद ही सुसाइड कर रहा आपने दिखा ना आरबीसी का लाइफ स्पान अडल्ट में एक दिन का होता है प्लेटलेट का लाइफ स्पान जो है आठ से ग्यारह दिन होता है तो ये जो लाइफ स्पान है इसके बाद सेल ऑटोमेटिकली सेल्फ डाई हो जाएगा तो कहते हैं किसी ने सेल को नहीं मारा तो इसको बोलते है, death, death, natural, natural death, future, हैं अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ प्रोग्राम सेल डेथ सेल डेथ, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर प्रोग्राम सेल डेथ और नेचुरल सेल डेथ को अपोप्टोसिस कहते हैं अपोप्टोसिस कहते हैं दूसरी बात इस तरफ मैंने लिखा बच्चों दैट इज अक्रोसिस दैट इज अक्रोसिस और नेक्रोसिस जो है अन प्रोग्राम सेल डेथ है अन प्रोग्राम सेल सेल डेथ डेथ सकते सकते हैं, सकते हैं, जिसमें सपोज सपोज आपको ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गया कहीं पर्टिकुलर सेल में ब्लड सप्लाई कहीं सेल के अंदर रुक गया या सेल जो है वहां पर कोई वायरल इंफेक्शन हो गया वायरल इंफेक्शन हो गया या आपके सेल को हीट अप हीट मिला तो या सेल को रेडिएशन मिला ये सारे फैक्टर जो है ना ये क्या करते हैं सेल की डेथ कर देते हैं तो कहते हैं सेल मर्डर क्या बोलते हैं सेल मर्डर फर्क देखना फर्क देना एक सेल खुद मर रहा है

एट्रोफी वर्ड जहाँ भी आता है तो सेल जो है एक तो उसका सेल का नंबर जो है वो डिक्रीज होता है और सेल की जो साइज है वो डिक्रीज होता है कई बार हम कहते हैं ना कि बेटा पढ़ ले गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर ले तीस साल के बाद दिमाग का एट्रोफी हो जाएगा तीस साल के बाद आपका दिमाग उतना नहीं दौड़ेगा जितना दौड़ना चाहिए या आप दोड़ा पाओगे जब आप डेली लगातार अपने ब्रेन का सही यूटिलाइजेशन करोगे पूरी जिंदगी आपको मौज करवाएगा और ये, ये पांच साल आपने खो दिए ना तो पूरी जिंदगी आपको धक्के खाने होंगे स्ट्रगल करना होगा और किसी के बंधुआ मजदूर बन करके प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करनी पड़ेगी प्राइवेट हॉस्पिटल में इससे अच्छा है दिस इज योर टाइम दिस इज योर योर एरा अब कुछ कर गुजर गए ना तो आने वाली लाइफ आपके और आपके परिवार के लिए खूबसूरत होगी वरना बहुत बुरे दिन आएंगे इससे अच्छा है मेहनत करो संघर्ष करो टिके रहो सिचुएशन को फाइट करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो तो एट्रोफी का मीनिंग क्लियर है हाइपर ट्रॉफी जहां पर साइज बढ़ता सेल का साथ में मैंने ये भी लिखा हाइपर प्लेसिया जहाँ नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज होते हैं जैसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया बी पी में आपको बताता हूँ बीपीएच में आपको बताता हूँ साथ में लिखा मेटाप्लेजिया जो न्यूप्लाजमिक ग्रोथ में आपको देखने को मिलता है मेटाप्लेजिया मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन सेल टाइप टू द अनादर एक सेल जो है ऑलमोस्ट चेंज होकर दूसरा सेल बन जाता है जहाँ पर सेल डिसऑर्गेनाइज होता है सेल का साइज चेंज हो जाता है सेल का डायामीटर चेंज हो जाता है और डिस्प्लेसिया मतलब एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द सेल तो कॉम्पिटिशन वाले जो है ना

ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर सेल इमेच्योर सेल लाइक इर्थ्रो ब्लास्ट लाइक इर्थ्रो ब्लास्ट है ना इमेच्योर लाइक ऑस्ट्रियो ब्लास्ट ऑस्टियो ब्लास्ट ब्लास्ट वर्ड कहीं पर भी लग रहा ना तो समझ जाना वो इमेच्योर सेल है क्या है बच्चों शुक्रिया इम सेल है जहां पर आपको ब्लास्ट वर्ड पीछे लगा होता है इमेच्योर है जहां साइट वर्ड जहां साइट वर्ड लगा मिलता है जैसे इर्थ्रोसाइट है जैसे इर्थ्रोसाइट है ना इर्थ्रोसाइट

मैंने एक वर्ड लिखा फेगोसाइटोसिस देखिए एक फेगोसाइटोसिस आपने सुना जिसका काम होता है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम सेल में पढ़ रहे तो सेल में फेगोसाइटिस वर्ड का थोड़ा मीनिंग बदला है फेगोसाइटोसिस का दूसरा नाम है सेल 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 ईटिंग ईटिंग आप समझ सकते हो cell cell ही कुछ खाने की कोशिश कर है तो फेगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग इट इज अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस इन विच लार्ज पार्टिकल सच एज सेल और सेलुलर डेब्राइड आर ट्रांसपोर्ट इन टू द सेल

इट इज अ सेल्युलर प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर ब्राइट ब्रॉड इन टू द सेल तो समझ आना इंगल् बोल सकते हो सेल इटिंग बोल सकते हो या फेगोसाइटोसिस बोल सकते हो नेक्स्ट एक वर्ड लिखा है सेंट्रियोल स्टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल कभी कभी पूछा जाता है कि स्पैंडल के फॉर्मेशन में जो है कौन पार्ट लेता है तो आपको लिखना centriol, ये भी आपके सेल में पाया जाता है तो कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पर ऐड किए कुछ टर्म्स मैंने यहां पर ऐड किए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सेल थ्योरी वाज गिवन बाय द टू जर्मन बायोलॉजिस्ट कि सेल की थ्योरी किसने दिया सेल लिविंग ऑर्गेन है तो इसमें दो दो पर्सन है एक का नाम है स्किल्डन एंड टी दैट आर द सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल मतलब ये सेल थ्योरी ने कहा कि भाई प्लांट है एनिमल है मैन है ह्यूमन है सबकी बॉडी जो है सेल से बनी होती है और सेल जो है आपके शरीर का बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी इन्होंने स्केल्डन और वी कैन से स्कावन तो ये कुछ नाम मैं आपको प्रोनाउंस कर रहा हूँ है ना नाम जो है आपको प्रोनाउंस कर रहा हूँ माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर साथ में लिखा है द पंप एटी पेज पम्प ट्रांसफर सोडियम आउट एंड पोटेशियम और सेल पेडियम और पोटेशम सोडियम और सोडियम पोटेशियम एटीपेटीज पंप आपको याद होगा जब आप डिगोक्सिन पढ़ते हो जब आप डिगोक्सिन पढ़ते हो तो डिगोक्सिन इसी पंप पे तो काम करता है डिगोक्सिन इसी पंप तो काम करता है तो सोडियम और पोटेशियम जो पंप होता है जहां पर पोटेशियम नॉर्मली सेल के अंदर आता है सोडियम सेल से बाहर जाता है और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन में भी रोल प्ले करेगा अंदर के सब्सटेंस और बाहर के सब्सटेंस में इलेक्ट्रोलाइट को एक्सचेंज करने में रोल प्ले करता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम और पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो कहां होगा सेल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द सोडियम आयन

आपको जुड़ना है जैनसी परिवार से टेस्ट सीरीज को बाय करना है और इसी रेगुलरिटी के साथ रोजाना आपको टेस्ट देना है 150 दिन 15000 एमसीक्यू और नॉर्थसेट 6 यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट इफ यू इफ यू वांट रियली क्रैक टू नॉर्थसेट 06 तो बच्चों टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको रिवीजन चाहिए क्योंकि थ्योरी आपने पढ़ रखी है कई सारे पेपर आपने सॉल्व करके कर हैं आपको एक कंसिस्टेंसी

ये दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है इसको हम माइटोटिक माइटोटिक सेल सेल डिवीजन डिवीजन कहते है। कहते हैं, हैं, इसको और स्पेशली मैलिग्नेंट कैंसर वाले पेशेंट में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है क्योंकि मैलिग्नेंट कैंसर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने वाले कैंसर को मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं द कैंसर विल स्प्रेड

विदाउट रिडक्शन होगा बच्चों और इसे एक मैंने मिनिमोनिक लिखा है कि कैसे हमें याद रखना है कैसे हमें याद रखना है कि माइटोटिक सेल डिवीजन के स्टेजेस क्या होते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन के स्टेजेस को याद करने के एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया मैंने इंग्लिश में लिखा पी ऑन द मैट और उसी को यदि हम हिंदी में कहें मैट पर पेशाब करना पी या पी यूज करेंगे मैट में एम यूज करेंगे ए यूज करेंगे टी यूज करेंगे पी ऑन द मैट पी ऑन द मैट वी कैन से मैट पर पेशाब करना ये शॉर्ट फॉर्म है पी ऑन द प्रोफेज पी से याद रखना है दैट इज अ प्रोफेज दूसरा लिखा मैट एम से याद रखना है मैटाफेज देन अगला लिखा ए से याद रखना है एनाफे और लास्ट में टी से लिखा है टी से याद रखना टेलीफेज टेलीफेज मैं आपको बताना चाहता हूं जब भी सेल आर रेडी टू माइटोसिस उससे पहले वाले फेज को इंटरफेज बोलते हैं सेल थोड़ा सा रुकता है है रेस्ट करता है, और तैयार होता है माइटोटिक डिवीजन के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या पूछते हैं कि विच आर द फेजेस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन तो याद रखने का तरीका है पी ऑन द मैट पी दैट इज अ प्रोफेज मैट एम दैट इज अ मेटाफेज सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं पूरा प्रोसेस पढ़ाने में दो घंटे चाहिए बच्चों मैं आपको के आइडिया दे रहा हूं यदि दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है और मैं मीसिस की बात करूं इसको रिप्रोडक्टिव डिविजन कहते हैं और एक सेल जो है उसके फोर डॉटर सेल उसके जो है फोर डॉटर सेल आपको देखने को मिलेगा जहां पर प्रोफेस प्रोमेटाफेस Enaphase, और साइटोकाइनिन अलग-अलग फेजेस जो है ये सेल डिवीजन में आपको देखने को मिलेगा एक तो ये क्वेश्चन बनेगा कौन सा है रिप्रोडक्टिव दूसरा बनेगा कितने कितने डॉटर सेल में ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलता है बच्चों सिंगल लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलता है माइटोसिस कितने में डिवाइड होता है मियोसिस कितने में होता है होप यू कैन अंडरस्टैंड अब एक एनाटोमिकल प्लान के बारे में आपको थोड़ा क्विक बता देता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है पीवाई क्यू अली सर की है और सर भी वेट करें और मेरी कोशिश होगी कि मैं शॉर्ट टाइम में एक आउटलाइन इंपॉर्टेंट चीजें आपको देके जाऊं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे पेपर में महारति टेस्ट सीरीज में पूछूं देन यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस आपको क्या करना है सेल को अच्छे से पढ़ना और डिटेल में पढ़ सकू तो पढ़ना और सेल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कल मैं लेके आऊंगा पेपर और उस पेपर में रैशनल भी दिया बच्चों कि ए राइट right है तो क्यों है बी है तो क्यों आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है यह है जे एन की महारथी टेस्ट सीरीज की खासियत जो जिस टेस्ट सीरीज से जुड़ा है उसको एक दिन में पंद्रह हजार एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे चाहे होली हो चाहे दिवाली हो आपको छुट्टी नहीं होने वाली मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मिशन नॉर्थ सेट जीरो

मैं कोशिश करता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मैंने लिखा है यहां पर सबसे पहले एक इमेज दिया आप मुझे फाइंड आउट करके बताओगे ये कौन सा एनाटोमिकल प्लान है या एक इमेज इमेज दिया हुआ है है फिर मैंने उस इमेज को फर्दर जो है दो में डिवाइड किया इस इमेज को देख करके आप मुझे तुरंत आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में लिखेगा कौन सा प्लान है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कौन सा प्लान है कौन सा प्लान है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपको आंसर देना है आपको आंसर देना है शुक्रिया एवरीवन बिल्कुल रोहितास, बिल्कुल आरपी पांडे आप क्लास ले सकते हो जिसका कोर्स पूरा नहीं हुआ है इज़ अ प्लान आप देख पा बॉडी जो है ना बॉडी को एकदम बीच में से डिवाइड किया है दैट विल बी राइट और लेफ्ट सेंटर से बॉडी को डिवाइड किया तो दैट इज अ मीडियम डिवाइड बॉडी एग्जैक्टली लेफ्ट और राइट सेक्शन मतलब एकदम सेंटर से यदि बॉडी को डिवाइड करेंगे ना

और ये मिड सजाइटल जब हो गया एक होता है बच्चों पैरा सजाइटल मतलब पहले आपने क्या किया पहले आपने बीच में से बीच में से डिवाइड किया तो मिड सजाइटल हुआ फिर जो ये राइट और लेफ्ट है इसको फिर डिवाइड किया ये जो डिवीजन है इसको पैरासजाइटल कहते हैं ये जो डिवीजन है इसको पैरासजाइटल कहते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर और मीडियल प्लान होगा तो ब्रेन भी दो भागों में डिवाइड होगा ध्यान रखना ब्रेन भी दो भागों में डिवाइड होगा यदि मीडियन प्लान की मैं बात करूंगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फोकस इट एवरीवन यदि मैं मीडियन प्लान की बात करूंगा ब्रेन भी दो भाग में डिवाइड होगा राइट right और लेफ्ट तो दैट इज अड सजाइटल सेंटर से societal, उस सेंटर के बाद और हाफ उस सेंटर के बाद और हाफ को पैरासजाइटल कहते बच्चों नेक्स्ट फाइंड आउट करिएगा विच इज द प्लान विच इज द प्लान फूचर नर्सिंग ऑफिसर मैंने आपके सामने पुट किया आप मुझे बताए कौन सा प्लान है थोड़ा सा आइडिया लगे फ्रंटल सूचर कॉर्नल सूचर सजाइटल दैट विल बी इसमें आप देखोगे एग्जैक्टली uh, बॉडी exactly जो है उसको दो भाग में डिवाइड किया वी कैन से कॉरनल और ऐसे डिवाइड किया बच्चों ऐसे पहले ऐसे था ना मीडियम अब ऐसे डिवाइड किया दैट वी कैन से कॉरोनल फ्रंटल प्लान रनिंग फ्रॉम साइड टू साइड साइड टू साइड डिवाइड बॉडी इन फ्रंट एंटीरियर और पोस्टीरियर जैसे मैंक्शन मैं you know, तो से जो है दो भाग में एंटीरियर और पोस्टीरियर एंटीरियर और पोस्टीरियर में बैक और फ्रंट याद रखना है बैक और फ्रंट दो में डिवाइड किया बैक और फ्रंट जो है दो में डिवाइड किया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो दैट वीकैन से कॉर्नर दैट वीकैन से Coronal, clear? एक और मैं शो करता हूं, that is everybody know, longitudinal, कोई भी नहीं बोलना बेटा दूसरा आप आप देख आप देख पा पा टू बॉटम का हिस्सा जो है ना ऊपर रह गया और नीचे का हिस्सा जो है ना नीचे रह गया टॉप टू बॉटम डिवाइड बॉडी इन टॉप दैट सुपीरियर बॉटम दैट इज तो तीन प्लान है एक मीडियल है एक सजाइटल है और आपके सामने है ट्रांसवर्स जिसको आप कह सकते हो जिसको आप कह सकते हो लविंग फ्यूचर नर्सिंग ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स और लविंग्यूचर तो एग्जाम में इमेजेस इमेजेस आते हैं आप को देख करके आंसर को फाइंड आउट करना इमेजेस को देख करके आंसर को फाइंड आउट करना और अब थोड़ा सा मैं इस क्लास इस का रिव्यू आपको दे देता हूं देखिए योर गोल बिकम्स ट्रू विथ महारथी महारथी मतलब ये टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट सीरीज है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑप्शन ये टेस्ट सीरीज वो बच्चा ले सकता है जो इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम की तैयारी कर रहा हो चाहे वो Norset हो चाहे वो सी एच कोई भी एग्जाम कह सकता हूं मैं किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखा तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी थ्योरी नहीं पढ़ रखा है तो इंस्ट्रक्शन इस टेस्ट सीरीज में आपको साथ साथ में थ्योरी पढ़ना है अब इसके लिए डेली डेली लाइव टेस्ट होगा और इस डेली लाइव टेस्ट से पहले जिस टॉपिक का टेस्ट है उसकी यूट्यूब पे ऑल इंडिया फ्री क्लास होगी ऑल इंडिया फ्री क्लास आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा टेस्ट जो है डेली टेस्ट होगा डेली लाइव टेस्ट होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स और हंड्रेड एमसी होंगे इसमें हंड्रेड एमसीक्यू होंगे नाइनटी मिनट का होगा 90 मिनट का होगा और मैं आपको बता दूं 150 टेस्ट और 15000 एमसीक्यू मजे की बात सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक साथ में 20 मॉडल पेपर 20 मॉडल पेपर प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए और मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहार पर आपको इतना कह सकता हूं यदि जिसने इस टेस्ट सीरीज को सीरियसली ले लिया और दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया

आपको इतना अच्छे से पता होगा कोई भी नया इनोवेशन होगा तो उसका फाउंडर आपका जयंसी होगा बाद में वो कॉपी पेस्ट के फॉर्म में मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है दिस इज अगेन न्यू इनोवेशन और इस इनोवेशन को आप इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स को बताएं और कल से ही जुड़े ताकि लगातार आपकी एनर्जी बना रहे और पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा आप कौन सी रैंक पे हो तो जुड़े जयंती परिवार से करें अपने सपनों को साकार शुक्रिया कहीं नहीं जाएगा जल्दी अली सर से मुलाकात होगी आपकी और पी की धमाकेदार क्लास तब तक लिए जय हिंद जय भारत